जबलपुर नगर निगम में धारा 30 की बैठक का आयोजन किया गया, जहां बैठक के दौरान विपक्षी भाजपा पार्षदों ने जमकर हंगामा किया, जहां भाजपा पार्षद दल ने अपने वार्डों की समस्याओं को लेकर नगर निगम में प्रदर्शन किया जमीन पर बैठकर। भाजपा पार्षद दल के द्वारा नगर निगम प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की, जहां नेता प्रतिपक्ष कमलेश अग्रवाल ने बताया कि नगर निगम में अधिकारियों और महापौर की मनमानी देखने को मिल रही है। जबलपुर नगर निगम क्षेत्र में अव्यवस्थाओं का अंबार देखा जा रहा है। बारिश में दूषित पानी पीने के लिए आम नागरिक मजबूर हैं। वहीं शहर की सफाई व्यवस्था भी चौपट हो चुकी है। उसके बाद भी नगर निगम के अधिकारी और महापौर के द्वारा नागरिकों की समस्याओं को लेकर किसी भी प्रकार का कार्य नहीं किया जा रहा, जिसको लेकर भाजपा पार्षद दल ने अपना विरोध दर्ज कराया है। वहीं जबलपुर महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने कहा कि नगर निगम के भाजपा पार्षदों के द्वारा क्षेत्र की समस्याओं को लेकर कुछ विषय हैं उनके सामने रखे गए हैं, जिन्हें उनके द्वारा देखा जा रहा है। वहीं नगर निगम के अधिकारी बैठक में शामिल नहीं हो रहे, जिसको लेकर उन्होंने आपत्ति की है। नगर निगम की धारा 30 की बैठक में नगर निगम आयुक्त समेत संबंधित अधिकारी भी नहीं बैठे, जिसके कारण कई अहम विषयों पर बात नहीं हो पाई है, जहां मामले को लेकर अधिकारियों से बात की जाएगी। धारा 30 की बैठक एक तो हमारे महापौर जी की एक आदत है कि जब किसी को प्यास लगती उस समय उसको पानी पिलाना चाहिए। जब वो पानी पी चुका होता है उसके बाद फिर उनसे पूछते हैं कि क्या आपको पानी पीना है। इससे ये सिद्ध होता है कि हमने आज से 2 महीने पहले इनको पत्र दिए कि आप धारा 30 की बैठक कराओ, शहर में पानी की व्यवस्था नहीं है, जल व्यवस्था ठप हो गई है, जलमग्न हो गया है, पूरा शहर हो गया है, सीवर लाइन की समस्या है, मगर इनके समझ में नहीं आया। अब आज ये बैठक रख रहे हैं। अब इससे क्या सिद्ध होता है कि इनको ये लगता है कि पानी की समस्या थोड़ी बहुत समाप्त हो जाएगी, मगर मैं आपको बता दूं इतनी बारिश में भी आज लोग गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हैं। पूरा शहर जलमग्न हो चुका और पूरे शहर में पानी भरा हुआ है, मगर इनको समझ में नहीं आ रहा। एक तरफ ये बोलते हैं कि कमिश्नर साहब, महापौर कमिश्नर साहब, अध्यक्ष जी और नेता प्रतिपक्ष की बात सुनते हैं, तो मैं इनसे ये कहना चाहता हूँ यदि आपकी बात नहीं सुन रहे हैं तो आप इस्तीफा दे दो, क्योंकि आपको लग रहा है कि आप ताकतवर नहीं हैं तो आप इस्तीफा दे दो। आप शहर के प्रथम नागरिक हैं, आप अपने आप को प्रथम सेवक बोलते हैं, उसके बावजूद यदि आपकी कमिश्नर साहब नहीं सुन रहे हैं तो इससे बड़ा दुर्भाग्य जबलपुर की जनता के लिए नहीं है। दो बड़ी बातें थी आज, एक तो निगमित के अभी तक सदन में नहीं बैठना, उसको लेकर सभी पार्षद नाराज थे। मुझे भी इस बात पे आपत्ति है, निश्चित तौर पर उनको यहाँ उपस्थित होना चाहिए। MIC की बैठक में भी कल वो नहीं थे। दूसरी बड़ी बात की जब सदन की बैठक चल रही हो, पूरे पार्षद वहाँ पर हों और कलेक्टर महोदय अगर अधिकारियों को बुला लें दूसरी बैठक में, ये ठीक बात नहीं। हमें शहर के प्रति जागरूक रहना पड़ेगा। जन्म से लेकर मृत्यु तक लगभग सभी कार्य नगर निगम से होते हैं और पार्षद साथियों ने बैठक बुलाई है, अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक है धारा 30 की। हम लोग शहर को लेकर चिंता व्यक्त कर रहे हैं, यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं और आप सारे अधिकारियों को बुला लेते। मेरी भी घोर आपत्ति थी। मैंने समर्थन किया भारतीय जनता पार्टी के पार्षद साथियों का, महेश राजपूत जी का और महाराणा प्रताप के वार्ड के पार्षद जीतू कटारे जी का। बाकी की जो हमारा विषय है उस पर चर्चा जारी है और हम लोग अपनी बातों को, अपना जवाब बखूबी तरीके से रख रहे हैं, उनके सारे सवालों का जवाब भी देंगे और निश्चित तौर पर हर पार्षद अपने वार्ड को लेकर चिंतित रहते हैं, उनकी चिंता जायज है। जो बातें सामने आएंगी उनको निश्चित तौर पर उनका निराकरण भी किया जाएगा।